अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ, कौन सी ऐसी रियासत है जहां पर कांग्रेस बड़ी कामयाबी की उम्मीद कर रही है? कौन कौन से रियासत में? देखिए, कांग्रेस कई स्टेट्स में डायरेक्ट इलेक्शन बीजेपी से लड़ रही थी, जहां कांग्रेस और बीजेपी की वन ऑन वन फाइट थी। मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड में तो खैर हमारा अलायंस था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें अच्छी सीट्स की उम्मीद है। उसके अलावा मैं थोड़ा राजस्थान में बात करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अफरोज आलम भी हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अफरोज आलम साहब, राजस्थान का जिक्र किया सुलेमान मोहम्मद ने कि राजस्थान से इन्हें उम्मीद थी, लेकिन राजस्थान में आप देखिए 25 सीटों में से जो ट्रेंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत है, सब लोग जान रहे हैं इस बात को, भी ट्रेंड है, 25 में से 24 सीट पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, सिर्फ एक पर आगे बढ़ रही है, वो भी कांग्रेस नहीं बल्कि अदर। जी, राजस्थान का जो ट्रेंड है आप देखेंगे 25 सीटें हैं, और टोटल जो पूरी राजस्थान में जो 11 सीटें थीं जहां पर एक क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई थी और वो पूरे उसने उसको जीतने की कोशिश भी की थी, एक अच्छा फाइट दिया था, लेकिन आते आते वो 7 सीटों पर एक ज़बरदस्त फाइट दे रहे थे जी। और 11 बजे तक ये एक थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी रुझानों की कि कौन से पार्टी किस हिसाब से जा रही है, क्योंकि अभी जो रुझानात हैं उसमें काफ़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्पेस है जिसमें पोस्टल बैलेट का भी वोट शामिल है, शुरुआती दौर की, अब तो 10 बजने वाले हैं इसमें, 11 बजे, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि जब 2000 मध्य प्रदेश के असेंबली चुनाव इंतखाबात थे, राजस्थान के थे, झारखंड के थे, तो 10 बजे तक लोगों ने अपनी अपनी टीवी, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बंद करके चले गए थे कि हम तो यहाँ से हार गए। लेकिन 11 बजे के बाद एक नए तरीके के शिफ्ट देखने को मिली थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एक क्लोज कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर उन सीटों को देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर किस तरह के परफॉर्मेंस दे रही हैं। अगर यही परफॉर्मेंस बीजेपी का रहता है तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपने काम को काफी अच्छे से अंदाज ये किया, और उसकी इलेक्शन मशीनरी अभी भी सबसे मजबूत है, ये इसमें दो राय नहीं है जी। सैफ साहब क्या कहेंगे आप? राजस्थान की बात अभी हुई थी सलमान साहब, आप ही के पार्टी के, उन्होंने कहा कि राजस्थान से हमें बहुत उम्मीद है, और अभी उम्मीद के खत्म होने का वक्त भी नहीं आया है, क्योंकि ये अभी सिर्फ रुझान है, ये सीटें नहीं है, ये किसी पार्टी ने अभी जीता नहीं है, ये रुझान है। लेकिन रुझान से भी कुछ मैसेज मिलता है, 24 पर बीजेपी लीड कर रही है अकेले, और सिर्फ एक पर, वो भी कांग्रेस नहीं है, अदर है, ये राजस्थान की तस्वीर है सैफ साहब। नहीं देखिए, राजस्थान की जहां बात करते हैं, मैं आपको यकीन फिर दिलवा रहा हूं, जहां पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ऑन होल्ड हुए में हूं, चौथा ऐसा स्टेट हो इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी के लिए जो है, आप वहां पे ये देखें कि जॉब्स जो है क्रिएट नहीं किए गए, 600 से ज्यादा ऊपर प्रोमिसेस किए गए थे राजस्थान सरकार ने जब हमारी सरकार वहां पे आई है राजस्थान में। तो मैं आपको ये स्पष्ट और यकीन दिलाता हूं आपके चैनल में और सभी उसको, कि जब ये काउंटिंग खत्म होगी, मैं फिर उसी का एग्जांपल दूंगा जैसे मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जो इन तीनों राज्यों की जो है जैसे काउंटिंग शुरू हुई थी और एंड में आते आते जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, आज भी वैसे राजस्थान में जो आप पूरे के पूरे ये ओपिनियंस इस वक्त आ रहे हैं, शुरुआत की वो काउंटिंग्स आ रही है बैलेट पेपर की, ये जब टोटल काउंटिंग की जाएगी तो हम जो है वहां पे एक अच्छे नंबरों से जो है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन तीनों जगह के ऊपर जो है अच्छी परफॉर्मेंस जो है हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। अभी आपने जिक्र किया कि राजस्थान से उम्मीद थी, मध्य प्रदेश का जिक्र किया था, तो मध्य प्रदेश के भी टैली देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल जो सीटें हैं उसके हिसाब से जो कांग्रेस की जो अभी लीड मिल रही है, 29 जो है वो अभी डिक्लेयर्ड है, जो हमारी लीड हमारे पास है, 29 में से 3 जो है वो कांग्रेस उस पर लीड कर रही है सिर्फ, और जबकि बीजेपी 26 पर लीड कर रही है। क्या यहाँ के बारे में भी आप यही कहेंगे अभी कि बैलेट पेपर की अभी काउंटिंग हो रही है, या अभी कुछ और बाहर से जो सर्विसमैन्स के जो आए हैं उनकी काउंटिंग हो रही है, इसलिए अभी यहाँ भी आपको नतीजा कुछ आगे जाकर बदलता नजर आएगा? देखिए, सच्चाई यह है मध्य प्रदेश की कि एक साल में केवल 23 नौकरियां क्रिएट करनी, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मैं बात कर रहा हूं,
जनता ने जो है मैंडेट अपना असेंबली में दिखा दिया है और लोकसभा में भी दिखाएगी। मैं कह रहा हूं यह अभी बहुत जल्दी अजम्पशन है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 47.75% क्राइम अगेंस्ट वेमेन है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे जो है सीएजी रिपोर्ट लगातार बताती रहती है, परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट जो है कि भारतीय जनता पार्टी की खराब गई थी। मैं ये बताना चाहूंगा जब हमारी वहां पे सरकार आई है तो वहां पे जनता किसानों का जो है लोन माफ हुआ है और 1300 करोड़ जो है थोड़ा इंतजार करना होगा हमें। 1300 करोड़ ही के 2 बजे 3 बजे के बाद ये तस्वीर बदलेगी। फिलहाल एक